नमस्कार, आज चर्चा करेंगे वो है ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एडी करंट टेस्टिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एडी करंट टेस्टिंग, एडी करंट कहाँ का यूज़ होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट टेस्टिंग एंड हाउ इट इज़ वर्क, मतलब ऐसा कैसे काम करते हैं, ये वाला अच्छी चीज़ कैसे काम करते हैं। तो पहले एडी करंट टेस्टिंग क्या है वो जानने के लिए एडी करंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो एडी करंट क्या है, फर्स्ट फैराडेस लॉ क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। फैराडेस लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड काट ए कंडक्टर और व्हेन ए कंडक्टर काट ए मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर इफ क्लोज पाथ इज प्रोवाइडेड ओवर व्हिच द करंट कैन सर्कुलेट। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई कंडक्टर आ जाएगा और चाहे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का पास लेके जाएंगे तो जो फ्लैक्स है वो अगर कंडक्टर काट करेगा तो उस कंडक्टर के अंदर में एक करंट फ्लो होगा, इस करंट को हम लोग एडी करंट बोलेंगे। ठीक है, तो एडी करंट का डेफिनेशन जब पूछेगा तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इट इज ए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर मटेरियल। मतलब ये ओनली कंडक्टिव मटेरियल में काम करेगा, मतलब ये एडी करंट जो है कंडक्टिव मटेरियल में ही बनेगा बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कारण जो एक करंट फ्लो होगा एक कंडक्टर में कंडक्टिव मटेरियल के अंदर में वही एडी करंट है। तो कैसा एडी करंट बनता है वो फैराडेस लॉस का थ्रू एडी करंट बनता है। जब फैराडेस लॉस इन्वेंशन हुआ है उसी टाइम एडी करंट इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडली हम लोग देख लेंगे ये एडी करंट टेस्टिंग कहाँ का यूज़ होता है। तो एडी करंट के बारे में हम लोग जान लिए, ये एडी करंट का थ्रू हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे उसी को हम लोग एडी करंट टेस्टिंग बोलेंगे। तो एडी करंट टेस्टिंग में क्या क्या टेस्ट किया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो एडी करंट का थ्रू हम लोग फर्स्ट जो जो टेस्ट करते हैं उसी में पहले आ जाता है क्रैक इन रोल व्हिच यूज इन मिल इन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में जो मिल में जो रोल यूज़ होता है उसका अंदर में अगर कोई डिफेक्ट है या क्रैक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एडी करंट टेस्टिंग यूज़ करेंगे। रोल का क्या है ना, ऊपर में पूरा चकाचक दिखेगा, अंदर में अगर कोई जगह में क्रैक है या डिफेक्ट है उसको जानने के लिए हम लोग एडी करंट टेस्टिंग का थ्रू ही जान सकते हैं। क्योंकि ऊपर का देख के हम लोग अगर मिल में वो रोल यूज़ कर लेंगे बाद में पता चला वो अंदर में क्रैक था तो उसके लिए हादसा भी हो सकता है एंड जो शीट है उसमें इफेक्ट आ सकता है। सेकंड क्या चीज़ है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ ट्यूब रॉड एंड शीट ऑल्सो मेजर कोटिंग ऑफ दिस मटेरियल। मतलब ये मटेरियल का अगर कोटिंग किया तो कोटिंग का थिकनेस आप मेजर कर सकते हैं इसका थ्रू, उसका डायमेंशन मेजर कर सकते हैं एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है शॉर्टिंग ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टिव मटेरियल। तो कोई एक मटेरियल के अंदर में कितना कंडक्टिव मटेरियल है कितना नॉन कंडक्टिव मटेरियल है उसको डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं। फोर्थ जो है डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट और क्रैक ऑफ ए हीट एक्सचेंजर ट्यूब। हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब लगा रहता है वो ट्यूब में अगर कोई डिफेक्ट है उसका आप लोग यही वाला टेस्टिंग का थ्रू निकाल सकते हैं कितना डिफेक्ट है। तो मेन है कंडक्टिव मटेरियल में कोई डिफेक्ट या इसका मेजरमेंट आप एडी करंट टेस्टिंग का थ्रू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एडी करंट टेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस ये जानने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, एक कॉयल लेना पड़ेगा, वो कॉयल के अंदर में आप एक अल्टरनेटिव करंट जो है 1 kHz टू 2 MHz का अल्टरनेटिव करंट जो है इसमें पास करना पड़ेगा। वो पास करने से क्या होगा, उसमें एक चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉयल का चारों तरफ, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों तरफ बनने के बाद उसका अंदर में अगर कोई कंडक्टिव मटेरियल आएगा
और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो उस जगह में कंडक्टिव मेटल के ऊपर में एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम लोग एडी करंट बोलेंगे। देखिए ये वाला जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हम लोग ऑल्टरनेटिव करंट दिया 1 kHz टू 2 MHz के अंदर में, एंड उसका चारों तरफ जो है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है बना है, लिखा है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला कॉयल है, कॉयल को हम लोग प्रोब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो मेजरिंग करेंगे प्रोब का थ्रू ही मेजरिंग करेंगे, प्रोब का अंदर में वो कॉयल रहता है, कॉयल बाहर से दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोब का चारों तरफ में वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड का सामने देखिए, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का पास में एक टेस्टिंग ऑब्जेक्ट लाया हूँ जो कि कंडक्टिव मटेरियल है। वो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट कर रहा है, वो कट करने के कारण में वो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर में एक करंट उत्पन्न हुआ है। वो करंट जो है गोल गोल टाइप का दिख रहा है, उसको एडी करंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। ये एडी करंट जो है और एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आइदर ये जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कोई अगर डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट क्या करेगा, जो एडी करंट इंड्यूस हुआ है उसमें वो उसका फ्लो में बाधा डालेगा, मतलब इट डिस्टर्ब द एडी करंट फ्लो। तो एडी करंट डिस्टर्ब अगर फ्लो का डिस्टर्ब होगा तो क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट जो है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मेन कॉयल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट ऑपोजिट हमें काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो कॉयल है मैग्नेटिक मेन मैग्नेटिक कॉयल है उसका पैरेलल में एडी करंट इंड्यूस्ड होता है। सो कोई टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट अगर रहेगा या क्रैक रहेगा तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड में प्रभाव डालेगा, मतलब उसमें भी कुछ इफेक्ट आएगा, जिसका कारण हमारा जो मेन कॉयल है उसका इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में आपका इफेक्ट पड़ेगा। कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट्स वेरी द मेन कॉयल इम्पीडेंस, मतलब मेन कॉयल का जो इम्पीडेंस है वो वेरी होगा। सेकेंड जो इट विल इंटरप्ट एम्पलीट्यूड एंड पैटर्न ऑफ द एडी करंट, एडी करंट का जो पैटर्न है एंड इसका एम्पलीट्यूड है वो वेरी होगा। एंड ऑल्सो इंटरप्ट द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट के कारण फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट पड़ा, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट पड़ेगा तो उसके इम्पीडेंस में इफेक्ट पड़ा। उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि अभी एक डिफेक्ट आया है इसमें ऑब्जेक्ट में, तो द एडी करंट इंस्ट्रूमेंट फ्लॉट चेंजेस इन द इम्पीडेंस एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल व्हिच कैन बी यूज ए बाई व्हिच कैन बी यूज बाई ए ट्रेंड ऑपरेटर आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ट्रेंड ऑपरेटर होगा वो ये इम्पीडेंस का जो फेज एंगल एंड एम्पलीट्यूड को चेंजेस को देख के उसको पता कर लेगा कि ना जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ क्रैक या डिफेक्ट है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।